महिला कांग्रेस कोरिया जिला की प्रभारी अनु पांडे के प्रथम नगर आगमन पर कोरिया जिला की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगरपालिका मनेंद्रगढ़ अध्यक्ष प्रभा पटेल, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नीता डे एवं पूरे जिले की महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी शामिल रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरिया प्रभारी अनु पांडे ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी महिलाओं के लिए काफी योजनाएं बना रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ हमें अपने जिले की महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ पहुँचाना है और साथ ही अब हमें 2023 के चुनाव की मजबूती से तैयारी शुरू करनी है। पूरे प्रदेश में महिलाओं में जो जोश और उत्साह है वह 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ महिलाओं में बहुत जोश था। मैं यहाँ कोरिया की प्रभारी हूँ और आने वाले 2023 में फिर से चुनाव है। हम लोग यहाँ चुनाव की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं और महिलाओं में जो उत्साह और जो जोश है वो जो 2023 में दिखे गए हैं। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उसी तारतम्य में हमारी महिला कांग्रेस की प्रभारी माननीय अनु पांडे जी हमारी कोरिया जिले की प्रभारी हैं और आज यहाँ पे उनका दौरा कार्यक्रम था। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी महिलाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और हमारी जो महिला कांग्रेस की अनु पांडे जी हैं, प्रभारी जी हैं, वो महिला संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे अपने जिले में प्रभारी हैं उसका उनसे दौरा कर रही हैं और महिला शक्ति में एक ऊर्जा प्रदान कर रही हैं कि महिला कांग्रेस को मजबूत करना है। आने वाले चुनाव में हमें पुनः कांग्रेस को विजयी बनाना है और भाजपा को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आप जानते हो कि भाजपा सरकार किस तरह से झूठी और लभरी है। अभी आपने सवाल किया हमारे अनु पांडे जी से कि धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, अभी धान कट के आए नहीं तो धान की खरीदी कहाँ से होगी केस में। सही जवाब दिया हमारी प्रभारी जी ने।